कन्नौज में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जेल जाने के बाद राजस्व विभाग अब नवाब सिंह की संपत्तियां खंगाल रहा है। एसडीएम सदन ने नायब तहसीलदार के नेतृत्व में 5 लेखपालों की एक टीम गठित की है जो उसकी चल और अचल संपत्ति का पता लगाएगी। वहीं अवैध संपत्ति पाए जाने पर प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई कर सकता है। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। दुष्कर्म के आरोपी नवाब सिंह यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सदर एसडीएम कन्नौज ने 5 लेखपालों की एक कमेटी गठित की है जो नवाब सिंह यादव के संपत्तियों के बारे में पता लगाएंगी, जिसमें नवाब सिंह यादव के होटल, स्कूल, कॉलेज, घर और पैतृक संपत्तियों की जांच करेंगे, क्योंकि दुष्कर्म से पहले नवाब सिंह यादव के ऊपर 16 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। यदि किसी भी संपत्ति में अवैध तरीके से धन का प्रयोग किया गया हो या कोई भी संपत्ति अवैध पाई जाती है तो उसके ऊपर बुलडोजर की भी कार्रवाई की जा सकती है। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।